नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। उत्तर प्रदेश के बलिया में नगर पंचायत चितबड़ा गांव कार्यालय में लगभग एक सप्ताह से सभासदों ने ईओ के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से आक्रोशित सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी पर धरने पर बैठे हैं। इस प्रकरण को लेकर चेयरमैन अमरजीत सिंह ने आज बड़ा बयान देते हुए बताया कि चुनाव से पहले कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय टीम गठित कर जांच किया गया। जांच में ईओ दोष सिद्ध पाए गए हैं। इस मामले में ईओ के ऊपर कार्यवाही को लेकर सभासद धरने पर बैठे हैं, मगर कोई उच्च अधिकारी पूछने नहीं पहुंचे, जिससे आहत होकर धरने पर हैं। वहीं चेयरमैन अमरजीत सिंह ने पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। इंडिया समाचार से आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। मैं राम मोहन सिंह, वार्ड नंबर 11, जवाहर नगर सभासद हूँ। ये धरने का या तालाबंदी का ये छठवां दिन है और अभी तक कोई अधिकारी इसके में नहीं आ पाया है। 6 सूत्री मांग है जिसके तहत हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए थे, उसमें जो है जांच करके इसके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके शासन को भेज दिया गया है और शासन यही निदेशालय से इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और निदेशालय में ही जो है इसका जो है समय लिया जा रहा है। अब समय लेने का क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा है और ये है कि योगी सरकार में पूरा हम लोगों का भरोसा है, थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन दुरुस्त होगा। मुख्य अधिकारी होता है और जिलाधिकारी होता है और वो अपना पूरा अधिकार का उपयोग कर चुके हैं और उनका अब अधिकार यहाँ अब बताते हैं कि अब शेष नहीं रह गया है और जो भी उनको करना है अपने स्तर से बखूबी कर करके सचिवालय को या निदेशालय को भेज दिया गया है। ये है कि जब तक निदेशालय से ईओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, यहाँ से बर्खास्तगी नहीं हो जाती है, तब तक हम तालाबंदी किए रखेंगे और जितना दिन हो सके हम लोग जो है जमे रहेंगे यहाँ। संघर्ष कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी महोदय, जब हम लोग यहाँ जीत के आए उससे पहले जो प्रशासक है काल का 6 महीने पहले का जो चुनाव कर रहे थे उस कार्यकाल की जांच के लिए सभासदों ने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया था और जिलाधिकारी महोदय ने एक स्तरीय समिति बनाकर उसकी जाँच कराई और उस जाँच में अधिशासी अधिकारी महोदय को सिखाया उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय ने शासन को पत्र लिखा और शासन द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मान भी लिया गया है और विभागीय कार्रवाई के खिलाफ शुरू कर दी है। सभासदगणों की मांग है कि चूंकि जब भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है प्रथम दृष्टया दोषी शासन ने भी मान लिया है उनको यहाँ से हटा दिया है, उसी की मांग को लेकर सारे लोगों पत्र को संज्ञान लेकर ही जाँच में ही दोषी पाए गए हैं, ऐसा नहीं है। और दोषी पाने के बाद उनके खिलाफ 1,70 लाख रुपये मोटा मोटी जुड़ करके आया है, शासन ने भी उनको दोषी माना है और निदेशालय से उनके खिलाफ जांच कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कार्रवाई की जा रही है, थोड़ा समय लग विभागीय प्रक्रिया समय लग रहा है लेकिन हमारे शासकीय अधिकारी महोदय जिस सभासदों की मांग है दोषी पा लिए गए हैं, उनको यहाँ से हटा देना चाहिए। लगभग एक सप्ताह से नगर पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया गया है और यहाँ पे सारे कामकाज को जो है ठप कर दिया गया है, इससे आम जनता कितना प्रभावित हुआ, कितना लोगों के लिए नुकसान हुई और दिक्कतें हुई? देखिए तालाबंदी से आम जनता को नुकसान हो रहा है, ये कम कर सकते हैं, काम रुके हुए हैं, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया है कि जब दोषी पा लिए गए हैं शासन अधिकारी महोदय तो उनकी यहाँ हटा दिया गया, समय हमने पत्रचार द्वारा भी अवगत करा दिया गया है और हमें आशा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हुए उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा और व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो धीरे टॉलरेंस की सरकार है भ्रष्टाचार
तो जब भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो चुका है तो दोबारा यहाँ काम करने का प्रश्न नहीं उठता है। और ऐसे अधिकारी के यहाँ काम करने पर भ्रष्टाचार मुक्त कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, लिहाजा शासन प्रशासन या सबको संज्ञान लेते हुए इनको ऐसे भ्रष्टाचारी यहाँ से हटाना चाहिए। पहले